हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ मल्टीमीटर। लेट्स बिगिन। मल्टीमीटर, मल्टी फंक्शनिंग मीटर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सहायता आमे एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट एवं रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर दे परिबा, से प्रकार इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को आम कहे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर डीसी एंड एसी वोल्टेजेस, डीसी एंड एसी करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस ऑफ सेवरल रेंजेस, किसी गोटे रेंज रो रेजिस्टेंसेस ता एक रु 100 ओम भीतर हो पारे बा केते मिली बा माइक्रो ओम, एक किसी रेंज रे रेजिस्टेंस को हमें मेजरमेंट कर दबा बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड मल्टीमीटर। से डीसी करंट मापिबो, डीसी वोल्टेज मापिबो, एसी करंट मापिबो, एसी वोल्टेज मापिबो एवं रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करिबो। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। यार अन्य नामकरण हेउची इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर बा ताको मध्य कहा जाए वोल्टेज ओम मीटर, वोल्टेज ओम मीटर। ए मल्टीमीटर रो अन्य केतेक यूजेस मध्य रहिची, जेमिति कि आमे ट्रांजिस्टर हो, डायड एवं एलईडीज को परीक्षा कर दे परिबा, ट्रांजिस्टर रो फंक्शनालिटी को मध्य दर्शे दे परिबा बाय यूजिंग दैट मल्टीमीटर। लीकेज करंट कैन बी रीड आउट फ्रॉम दैट ऑफ स्केल मार्किंग्स। यदि कौन सी सर्किट रे किसी लीकेज है कि नहीं, सर्किट टी एंटायरली कंप्लीट है कि नहीं, ताको मध्य जानी परिबा मल्टीमीटर सहायता रे। द एस एफ ई ऑफ द ट्रांजिस्टर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विथ द कनेक्टर प्रोवाइडेड एज एक्सेसरी। आमे ट्रांजिस्टर गोटे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जहाँ को आम एच एफ ई वैल्यू कहचे, आमे ट्रांजिस्टर को डिफाइन करदे। ट्रांजिस्टर कार्यदक्षता कौन ताको निरूपण कर तेरे मल्टीमीटर सहाय्य आमे ट्रांजिस्टर रो एसीफ ई वैल्यू को कैलकुलेट कर देवा। तबे एठारे आमे एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्र करिछे जहाँ होची एक डिजिटल मल्टीमीटर रो डायग्राम। ए डिजिटल मल्टीमीटर टिक ऊपर पोर्शन एलसीडी डिस्प्ले जहाँ साहाज्य रे आमे जहाँ भी किसी मेजरमेंट आसला ताको डिजिटली जानी परिबा, कौन से एक नंबर आसो केते वोल्ट बा केते मिली एम्पियर यार वैल्यू को एलसीडी डिस्प्ले रे दर्शा जीव। ये जो सेक्शन टी तुम्हें लक्ष्य करुछ ता हेउची रेंज सिलेक्शन डायल। रेंज सिलेक्शन डायल माने कौन, इतरे किसी नंबर लिखा जाइ थिबो, हमें जो देखुचे एठे भी ये जो सिंबल टी या डीसी पे रिप्रेजेंट करुची, ए सिंबल टी एसी पे रिप्रेजेंट करुची। भी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज या डीसी वोल्टेज रेंज को दर्शाइबो, एठे नंबर लिखा जाइ थिबो केते रेंज रा डीसी वोल्टेज को ये जणाई दे परिबो। एसी वोल्टेज रेंज इथरे वोल्टेज रा वैल्यू गुडी को लिखा जाइ थिबो जाकि एसी वोल्टेज को सुचाइबो। तबे आमे जो रेंज सिलेक्शन डायल टी यूज करछे, मन कर आमे एक बैटरी नवा जो बैटरी टीर पोटेंशियल हो 2.5 वोल्ट, आमे प्रथम रेंज सिलेक्शन डायल रे तार जो वोल्टेज रेंज अच्छी ता मन कर अच्छी 0, 5, 10, 15 यही क्रम मन कर अच्छी, तबे आम को 2.5 वोल्ट रो बैटरी माने आमे ताको सेट करिया पड़ो 0 to 5 भितर, तमें आम 5 रे ए डायल टी को सिलेक्ट करवा।
ଏବଂ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରୋବ୍ ଲିଡ୍ ସକେଟ୍, ଦୁଇଟି ପ୍ରୋବ୍ ଯାହାକି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଫାଇନାଲି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀଟିର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ତାହାକୁ ଏ ଏଲ୍ ସି ଡି ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ମାପିବା, ସେହି କ୍ରମରେ ଏ ରେଞ୍ଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ରିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଇଯିବା। ରେଜିଷ୍ଟରର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 50 ohm, ଆମେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି 0, 5, 10 ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ମନେକର ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଡାଏଲ୍ଟିକୁ 5 ohmରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମାପିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏ ଡିସପ୍ଲେରେ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, କାରଣ ତା'ର ରେଞ୍ଜଟା ଆମେ 5ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଗେନ୍ 10ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କିଛି ଆସିବନି, 15ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ର ରେଞ୍ଜକୁ 55ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟରଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 50 ohm, ତେଣୁକରି ତାହାର ମେଜରମେଣ୍ଟଟି ଆମେ ଏଲ୍ ସି ଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଜାଣିଦେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏ ରେଞ୍ଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡାଏଲ୍ର କାମ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼େ ଫଙ୍କସନିଂ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଡାୟଡ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇକନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଏଠି ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଇ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଇପାରିବା। ଏଗେନ୍ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡାୟଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯଦି କୌଣସି ସର୍କିଟ୍ଟି ଏଣ୍ଟାଇଲ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇକନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସର୍କିଟ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବନି, ଏଇଭଳି କିଛି ସେଟଅପ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଡାୟଡ୍ ଡାୟଡ୍ଟି କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଦେଇପାରିବା। ଏ ଯେଉଁ ସକେଟ୍ଟି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସର୍କିଟ୍, ଏଠାରେ NPN ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍, PNP ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍କୁ ଆମେ ଶୋ କରିଦେଇପାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ବୋଲି। ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଏଇ ଫିଗର୍ଟି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ର। ତେବେ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ର ଫଙ୍କସନିଂ ହେଲା ସେ ଡିସି କରେଣ୍ଟ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଏସି କରେଣ୍ଟ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ରେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍, ଡାୟଡ୍, LED ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ସର୍କିଟ୍ଟି କରେଣ୍ଟ କିଛି ଲିକେଜ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେଇପାରିବା। ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି HCP ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନିଂକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛି, ତାହା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଦେଉଛି, ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦେଉଛି, ଏସି କରେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଦେଉଛି, ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସର୍କିଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ଗାଲଭାନୋମିଟରକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏମିଟର୍, ଭୋଲ୍ଟମିଟର୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇପାରୁଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଲ୍ଟମିଟରକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଏମିଟରକୁ କରେଣ୍ଟ ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଆଜ୍ ଏ ଭୋଲ୍ଟମିଟର କାମ କରୁଛି, ଗାଲଭାନୋମିଟର ଆଜ୍ ଏ ଏମିଟର ଭଳି କାମ କରିଦେଇପାରୁଛି, ତା'ର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ। ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହି ମଲ୍ଟିମିଟର ସେକ୍ସନ୍ରେ। 5ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ିକ ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଏକ PMMC ଗାଲଭାନୋମିଟର। PMMC ପରମାନେଣ୍ଟ ମୁଭିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ମୁଭିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍ ଗାଲଭାନୋମିଟର, ଆର ମଧ୍ୟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ରେଞ୍ଜ ରଖିଅଛି 50 ଭୋଲ୍ଟ, 10 ଭୋଲ୍ଟ, 250 ଭୋଲ୍ଟ, 2.5 ଭୋଲ୍ଟ, 1000 ଭୋଲ୍ଟ। ଏସ୍ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର R6।
आम डीसी वोल्टेज को ए प्रोब द्वारा आम कनेक्ट करूचे डीसी वोल्टेज को ए डीसी वोल्टेज टी के आम मेजरमेंट करवा एक गाल्वानोमीटर साहब भाव में द एबव सर्किट लुक्स लाइक ए मल्टीरेंज डीसी वोल्टमीटर ये तो गोटे डीसी वोल्टमीटर भाया ही कम कर ये गाल्वानोमीटर टी वर्तमान गोटे वोल्टमीटर भाया कम कर से वोल्टेज रीडिंग दबो के भाव वोल्टमीटर काम कर ना गोटे डीसी वोल्टमीटर भाया कम कर गोटे मल्टीरेंज डीसी वोल्टमीटर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज वैल्यू को मध्य दर्शाई दे पार द कम्बिनेसन अफ ए रेजिस्टर इन सीरीज विथ पीएमएमसी गाल्वानोमीटर इज ए डीसी वोल्टमीटर जहाँ किसी समय पूर्व कही गाल्वानोमीटर टी के भाव में गोटे वोल्टमीटर काम कर जितेबले कौन गोटे रेजिस्टर को सीरीज भाव में आम आ सहित कनेक्शन देदे तेज से गोटे वोल्टमीटर भाई काम कर एठारे ये डीसी वोल्टमीटर भाई काम कर सो इट कैन बी यूज टू मेजर डीसी वोल्टेजेस अप टू ए सर्टन वैल्यू ये इंस्ट्रूमेंटर किसी गोटे रेंज रही से ही रेंज पर्यंत सी डीसी वोल्टेज को रीडिंग दे पार द रेंज ऑफ डीसी वोल्टेजेस कैन बी इंक्रीज्ड एंड कैन बी मेजर्ड विथ द सेम डीसी वोल्टमीटर बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू आम रेजिस्टेंस रो वैल्यू बढ़ाई कि आम तार डीसी वोल्टेज मापिबार रेंज को मध्य बढ़ेबा मनकर प्रथमे आर फाइव रेजिस्टर जी वोल्टेज शो करूला मनकर ये शो कला 2.5 वोल्ट तेज आम रेजिस्टेंसटा आर फोर मनकर कनेक्शन देले जहाँफल तार इनक्रीमेंट हो गला वोल्टेज रेंज जमीक 10 वोल्ट मेजरमेंट देला परवर्ती रेजिस्टर टे कनेक्शन कले ये 50 वोल्ट भेरी कला नेक्स्ट गोटे रेजिस्टर टे कनेक्शन दे 250 वोल्ट आ गोटे रेजिस्टर से कनेक्शन दे 1000 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट पोटेंशियल को आ सहजे आम मेजरमेंट करदे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज रे कनेक्शन फल ओवरऑली गोटे पर गोटे रेजिस्टर को आम सीरीज रे कनेक्शन दे जहाँफल रेजिस्टेंस रो वैल्यू क्रमशः बढ़ी बढ़ी जाउछे द डीसी वोल्टेजेस अप टू 2.5 वोल्ट कैन बी मेजर बाय यूजिंग द कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर आर फिफ्थ इन सीरीज विथ दैट अफ पीएमएमसी गाल्वानोमीटर इन द एबव सर्किट जितेबाला आम आर फाइव को गाल्वानोमीटर सांगे सीरीज रे कनेक्शन दबा से केते परिमाण वोल्टेज को मेजरमेंट दब ना 2.5 वोल्ट को मेजर कर दे पार यहाँ एस अच्छी एसटा को आम कनेक्शन दे मुझे जानदेवी जे जो बैटरी आम बर्तमान एठार कनेक्शन देचे तार वोल्टेज हूँ ये 2.5 वोल्ट भितर रोचे जदि आम जो डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करवा तार वैल्यू मन कर 10 वोल्ट भितर रोथ एगेन आउ गोटे रेजिस्टर को सहित कनेक्शन करवा सीरीज रे जहाँफल 10 वोल्ट भितर जो तार पोटेनसीआल थाए ताकू आम जानदेपर द डीसी वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट कैन बी मेजर बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टर आर फोर इन दैट ऑफ सीरीज विथ द सर्किट ताकू कहली जदि आमर 10 वोल्ट रेंज रे किसी मेजरमेंट करा चाहिए तेज आर फोर को आम आर फिफ्थ सांगे सीरीज कनेक्शन करवा जब 50 वोल्ट रो किसी मेजरमेंट करा चाहिए से भाई भाव में आम आर थ्री की आर फोर सांगे सीरीज कनेक्शन करवा जब 250 वोल्ट आर टू को सीरीज कनेक्ट करवा जदि 1000 वोल्ट रेंज रो किसी मेजरमेंट दर्शाप चाहूँ तेज आर वन को आ सहित आम सीरीज कनेक्शन दबा इन दिस वे द रेंज ऑफ द डीसी वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड सिंपली बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टर इन सीरीज विथ द सर्किट सिंपली आम रेजिस्टर को से सर्किट रे सीरीज रे कनेक्शन करिया फल रे तार रेंज टा बढ़ी बढ़ी गला प्रथम 2.5 वोल्ट रे मेजरमेंट दउथला तापर आ गोटे रेजिस्टर को सीरीज रे कनेक्शन करले 10 वोल्ट रे मेजरमेंट देला आ गोटा को सीरीज रे कनेक्शन करले 50 वोल्ट रे मेजरमेंट देला सेई क्रम रे तार रेंज टा इंक्रीज करिला द डीसी वोल्टेज अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग द स्विच एस टू दैट ऑफ डिजायर्ड वोल्टेज रेंज जहाँ फिगर आम दर्शाइचे ये स्विच की आम कनेक्शन दबा जी कह आम 2.5 वोल्ट भितर रोचे आम स्विच रे टर्मिनाल को आ सांगे कनेक्शन दबा तो आम ये जाणीदेपर हाँ आर रेंजटा 2.5 वोल्ट भितर अच्छे मनकर 1.5 वोल्ट समथिंग के आसा जदि आम चाहूचे जो डीसी वोल्टेज आम ये इनपुट देचे ता 10 वोल्ट भितर अच्छे तेज एस टर्मिनाल को आम आ सहित कनेक्शन दे जा से भाई भाव में आर फोर टा आर फिफ्थ सांगे सीरीज कनेक्शन होती है
फाइनाली आम आउटपुट रे जान दबा जे हाँ 10 वोल्ट भितर किसी डीसी वोल्टेज एठार दि जाए यह सिंपली थी डीसी वोल्टेज को आम कि भाव में मेजर करुचे से मल्टीमीटर की यूज करके दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर टू मेजर डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट से डीसी करंट को कई भाव में मेजरमेंट कर लेट कम टू दैट पॉइंट डीसी करंट मेजरमेंट ए सर्किट को लक्ष्य कर गाल्वान मीटर किभली भाव में रेजिस्टर आरेंजमेंट अच्छी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स एथे करेन्टर भेरिएसन आम लक्ष्य करे ये 50 मिली एम्पियर 250 मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर यह हूँ स्विच तक आम कनेक्शन दवा आमर भेरिंग करेन्टर मेजरमेंट करने द एबव सर्किट लुक्स लाइक ए मल्टीरेंज डीसी एमिटर। बर्तमान यह गोटे एमिटर भाया काम कर कहीं काम कर द कम्बिनेसन अफ ए रेजिस्टर इन पारेलाल विथ पीएम एमसी गाल्वान मीटर इज ए डीसी एमिटर जो रेजिस्टरटा पारेलाली से गाल्वान मीटर सांगे कनेक्शन घटू तो से गाल्वान मीटर टी गोटे एमिटर भाया काम कर एमिटर काम कौन ना करेन्ट को मेजरमेंट करवा से बर्तन काम कर गोटे डीसी एमिटर भाया सो इट क्यान बी यूज टू मेजर डीसी करेन्ट्स अफ टू ए सर्टन भैल्यू पर्यटन डीसी करेन्ट को डीसी वोल्टेज भाया मेजरमेंट कर पार पूर्वर आम जमी डीसी वोल्टेज को सर्टन भैल्यू पर्यटन मेजरमेंट कर पार्थ हजार वोल्ट पर्यटन से क्रम रेजिस्टर को कम्बिनेसन कराई ए ठीक से भाव में सर्टन भैल्यू पर्यटन डीसी करेन्ट को आम मेजरमेंट करदे केमी मेजरमेंट करवा ना द डिफरेंट रेंजेस ऑफ डीसी करेंट्स कैन बी मेजर्ड विथ द सेम डीसी एमिटर बाय प्लेसिंग द रजिस्टर इन पैरेलल विथ द प्रीवियस रजिस्टर द एबव सर्किट द रजिस्टर आर वन इज कनेक्टेड टू सीरीज इन दैट ऑफ पीएमएमसी गाल्वान मीटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मीटर गेट्स डैमेज ड्यू टू लार्ज करेंट आम आर वन को आम कनेक्शन देचे क्या सांगे ना पीएमएमएस गाल्वान मीटर सांगे देचे या केवल सीरीज कनेक्शन देचे अन्य जो रजिस्टर गुड़िक रहा सब गुड़िक पैरेलल कनेक्शन होती ये गाल्वान मीटर सांगे जहाँफल ये गाल्वान मीटर टी आम काम कर गोटे डीसी एमिटर भाया मनकर आम करेन्ट जहाँ मापिबा डीसी करेन्ट जहाँ मापिबा से एतिक मिली एम्पियर रेंज रे होची त माने आम आर टू को कनेक्शन दबा आ सांगे से क्रम आर थ्री आर फोर को कनेक्शन दबा आर फिफ्थ कनेक्शन दबा आर सिक्स कनेक्शन दबा एवं करेस्पंडिंगली से गुड़िकर करेन्टर रेंजटा एतिक भितर आस एस जो स्विच आम लक्ष्य करचे स्विच की पर्टिकुलर रेंज को पाइबापी आ टर्मिनाल को यूज करवा आर वन को सीरीज रे यूज करार मुख्य कारण हो कहीं ना अधिक परिमाण करेन्ट जदि फ्लो करवाइड करने आम आर वन को सीरीज भाव में यूज करे गाल्वान मीटर सहित द डीसी करेंट कैन बी मेजर्ड दैट इज फ्लोइंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग द स्विच एस टू दैट ऑफ डिजायर्ड करेंट रेंज वोल्टेज को जो भाव में मेजर करते एस को यूज करके डिजायर्ड वोल्टेज रेंज को यठार डिजायर्ड करेंट रेंज को आम पाइपर ए स्विच्र ए टर्मिनाल को व्यवहार करके आम देखिले जे डीसी करेंट मेजरमेंट के भाव में आम मल्टीमीटर रे पाइपर अन्य गोटे फंक्शनालिटी थिला एसी एसी वोल्टेज मेजरमेंट केमिति करिबा एसी वोल्टेज मेजरमेंट सेम सर्किट किंतु एठारे आमे यूज करछे दुटा डायड एवं गोटे रेजिस्टर जहाँ को आमे कहचे गोटे रेक्टिफायर भले कहचे कास्केड अरेंजमेंट द एबव सर्किट लुक्स लाइक ए मल्टी रेंज एसी वोल्ट मीटर एठारे ये गोटे वोल्ट मीटर भाव में काम करेतु रेजिस्टर गुड़िक सीरीज रे कनेक्ट होती गाल्वान मीटर सांगे किंतु एसी कहीं हम द कम्बिनेसन अफ रेक्टिफायर इन सीरीज विथ डीसी वोल्ट मीटर इज एन एसी वोल्ट मीटर या टोटाल गोटे डीसी वोल्ट मीटर ये रेजिस्टर गुड़िया जितने कनेक्टेड हो गाल्वान मीटर सांगे आम प्रिवियसली लक्ष्य कले कि जितेबाद आम गोटे रेक्टिफायर को यूज करवा डायड रही क्रम आरेंजमेंट आम कहे गोटे रेक्टिफायर बोली कहे कास्केड अरेंजमेंट तेज जितेबाला कौन से एक रेक्टिफायर को आम डीसी वोल्ट मीटर सांगे कनेक्शन दौचे आम फाइनल आउटपुट कौन हो गए एसी वोल्ट मीटर हो
The combination of a rectifier in series with DC voltmeter is an AC voltmeter. बर्तमान सर्किट अरेंजमेंट हमर एसी रिजल्ट को प्रोवाइड करियो. तो एबव सर्किट इज फॉर्म जस्ट बाय प्लेसिंग द डायोड कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टर आर सिक्स इन बिटवीन आर फाइव एंड पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर. देखो हम फिगर देखुचे डायोड डी वन डी टू एवं आर सिक्स को आम आर फिफ्थ एवं गैल्वेनोमीटर मध्य कनेक्शन दौचे जहाँफल एंटायरली सर्किट रीडिंग आम पाई जहाँ मापिब एसी वोल्टेज को. The AC voltage across any two points of an electric circuit can be measured by connecting the switch S to that of desired voltage range. केते voltage range भीतर आमे ताकु measurement करिबा AC voltage को से क्रम रे आमे S को connection करिबा. तर अन्य गोटे functionality हेउची AC current रो measurement. Sometimes आमे व्यवहार करथिबा ए digital multimeter रे AC current रो किछि नाही. केतेक मल्टीमीटर रहुचि किंतु ता न रहिबार कारण हेउचि आमे जनरली व्यवहार करथिबा एसी करंट केते वोल्टेज रहुचि आम घर को जो एसी आउचि 220 वोल्ट 220 वोल्ट वोल्टेज रे जो करंट हमर फ्लो करिवो ता गो ह्यूज अमाउंट रो करंट फ्लो करचि. एई डिवाइस रे आमे सेते अमाउंट रो करंट को मेजरमेंट करि परिबा नाही. तार आडभांस वर्सन रो मल्टीमीटर यूज करा जिवो. ठीक सही क्रम रे जे क्रम रे आमे वोल्टेज को मेजरमेंट कले से क्रम रे आमे एसी करंट को मध्ये मेजरमेंट कर दे परिबा. टिपिकल सर्किट रो अरेंजमेंट कराई प्रीवियसली आमे जे भली भाब रे डीसी करंट को मेजरमेंट करथिले ए रेजिस्टर गुडी को आ सहित पैरेलल कनेक्शन करी. ठीक सही भली भाब रे एठारे आमे एसी सिचुएशन रे मध्ये सही रेजिस्टर गुडी को पैरेलल कनेक्शन करिवा. एगेन आमे गोटे रेक्टिफायर के यूज करिवा जा फल रे इस डीसीटा कन्वर्ट हो एसी को सिमिलर वे तार फंक्शनिंग अलग. फाइनल वन में रेजिस्टेंस को मध्य मेजरमेंट करुचे ए मल्टीमीटर साहाज्यरे केमिति ताको मेजरमेंट दबा. एठरे आमे रेजिस्टर गुड़ी को कनेक्शन दबा सीरीज रे. मुठारे आउ गोटे रेजिस्टर के यूज करे जे साउंड भाव काम कर बैटेरी यूज कले दुटा टर्मिनाल जहाँ साहाज्यरे आमे रेजिस्टेंस को मापिबा. द फॉलोइंग टू टास्क मस्ट बी डन बिफोर टेकिंग एनी मेजरमेंट. मेजरमेंट करिया पूर्व आमको फिक्स करिया पई पड़िबा कोन ना शॉर्ट सर्किट द इंस्ट्रूमेंट. आम इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट सर्किट करिया. वैरी द जीरो एडजस्ट कंट्रोल अंटिल द मीटर शोज फुल स्केल करंट. जे पर्यंत फुल स्केल करंट से शो करनी आम एडजस्ट करिया जीरो सांगरे फिक्स कराई. दैट मीनस मीटर इंडिकेट्स जीरो रेजिस्टेंस वैल्यू. जमी मीटर टी जीरो रेजिस्टेंस वैल्यू दे थियो ताकू फास्ट आम एडजस्ट करिया. तापर आम मेजरमेंट करिबा से रेजिस्टेंसेस रो रेंज को नेकी. इन द कंडीशन द एबव सर्किट बिहेव्स एज शंट ओम मीटर एंड हाज द स्केल मल्टीप्लिकेशन अफ वन दैट इज 100. आम ये जो कंडीशन को आम लक्ष्य कहे सर्किट टाक आम कहे शंट ओम मीटर मैंने जीरो एडजस्ट कंट्रोल आम करवा ओम मीटर को स्टैंड्स को नहीं एक को आम शहे भाया ट्रीट करवाठे. वी कैन ऑल्सो कंसीडर हायर ऑर्डर पावर ऑफ 10 एज द स्केल मल्टीप्लिकेशन फॉर मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस रो रेंज को बढ़ापाईठ 10 रो पावर को मध्य नहीं पार जहाँफल आम रेजिस्टेंस रेंज मान हजार ओम रो रेजिस्टेंस को मापिया तो 10 टू द पावर क्यू मल्टीप्लिकेशन हो जीव. या सिंपल सर्किट अरेंजमेंट मल्टीमीटर के भाव में रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर पाउछे. एठारे आमे आलोचना कले मल्टीमीटर संपर्कित तार प्रिंसिपल एवं वर्किंग. आमे देखिले मल्टीमीटर कौन तार केतक यूजेस एवं डिजिटल मल्टीमीटर रो एक फ्रंट व्यू. मल्टीमीटर साहाज्य रे आमे डीसी वोल्टेज के भाव में मेजरमेंट करुचे तार सर्किट डायग्राम ता संपर्कित किसी वर्किंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट डीसी करंट रो मेजरमेंट तार सर्किट डायग्राम एवं तार वर्किंग को आलोचना कले. एसी वोल्टेज को मेजरमेंट कले सर्किट डायग्राम तार वर्किंग रेजिस्टेंस रो मेजरमेंट एवं तार वर्किंग संपर्कित तथ्य. सो With this useful and
informative notes, let me wind up the session. Thank you.